time ago, nature found a way to preserve DNA. Around 40 million years later, some engineers built a car as never before. A car with a strong DNA that lives on from generation to generation. The mighty G wagon in front of us. तो कुछ ऐसा दिखता है इसकी की, pretty basic like other models. But if you have a G63, the key will be different. ये G350 model है जिसमें diesel engine offer किया जाता है. अब G63 we have the AMG line which have a petrol engine. जी क्लास इज द टॉप मॉडल अमंग द लग्जरी ऑफ रोड व्हीकल्स और ये सबसे लॉन्गेस्ट प्रोडक्शन रनिंग कार है मर्सिडीज बेंज की हिस्ट्री में. जी स्टैंड्स फॉर ग्लैंड वैगन विच मीन्स ऑफ रोड व्हीकल. सो दैट्स अ प्रीटी कूल नेम आई थिंक कि थ्री वर्ड्स आर कॉन्ट्रीब्यूटेड इन जस्ट वन जी लेटर. कुछ अच्छा दिखता है इसका फ्रंट. We have a big grill with Mercedes-Benz logo in the center and we have 360 degree round camera. We have Mercedes-Benz logo in which there is radar incorporated inside it which has two radars, short range and long range. Short range radar ranges from 30 meters up to 30 meters and the long range radar ranges up to 80 meters. Which can detect the vehicle in front of the car and apply brake also. कुछ ऐसी दिखती हैं इसकी lights. We have all LED projectors and LED indicators also. Then we have ultrasonic sensors. In the front we have total 4 ultrasonic sensors plus we have headlight washer system also. और ये आप देख रहे हैं ब्लैक कलर, वाइट, मैट ब्लैक, ब्लू का भी कलर ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है. सो और ये है मर्सिडीज बेंज का लोगो ऑन द हुड. सो लेट्स गो एंड चेक आउट द इंजन फर्स्ट.
कुछ ऐसा दिखता है इसका इंजन। विच इज G353 मॉडल है ये, विच हैव डीजल इंजन। तो ये यहाँ पे एज यू कैन सी इट्स रिटन 6 सिलेंडर्स, सो दिस इज एन इनलाइन 6 सिलेंडर इंजन विच प्रोड्यूसेस 286 हॉर्स पावर एंड 600 न्यूटन मीटर स्टॉक। और ये नए इंजन्स हैं मर्सिडीज बेंज का लाइनअप में, विच कंज्यूम 6% लेस फ्यूल देन द प्रीडिसेसर्स। ओके, सो व्हाट आर द न्यू टेक्नोलॉजीज दैट आर यूज्ड इन दिस इंजन्स? इज वन ऑफ द टेक्नोलॉजी इज कॉल्ड स्टेप्ड बोल्ड कंबशन प्रोसेस विच इनकॉर्पोरेट्स आर कंबशन दैट टेक प्लेस, जिससे होता ये है। स्टेप बोल्ड कंबशन प्रोसेस का मतलब ये है कि एक ऐसा चैम्बर वहाँ बनाया है, डिज़ाइन किया गया है, जिससे जो कंबशन है वो पूरी तरीके से प्रॉपर हो, देयर शुड नॉट बी एनी लॉस इन फ्यूल बर्निंग। प्लस देयर इज 2-stage टर्बो चार्जिंग हेयर ऑल्सो, वी हैव अ वेरिएबल टर्बाइन ज्योमेट्री टर्बो चार्जर एंड अ सिंपल वन। प्लस वी हैव यूज ऑफ कैमट्रॉनिक वेरिएबल वाल्व लिफ्ट कंट्रोल फॉर द फर्स्ट टाइम इन द OM656। स्टील के पिस्टन्स इसमें अवेलेबल हैं, प्लस एल्यूमिनियम इंजन ब्लॉक है विच रिड्यूसेस द वेट ऑफ द इंजन, दस रिड्यूसेस द वेट ऑफ द ओवरऑल कार ऑल्सो। प्लस वी यूजेस द मर्सिडीज बेंज पेंटेड मर्सिडीज बेंज पेंटेड नैनो स्लाइड कोटिंग विच रिड्यूसेस द फ्रिक्शन बिटवीन द लाइनर एंड द पिस्टन्स, सो दैट लेस फ्रिक्शन इज प्रोड्यूस फॉर एंड दस वी गेट द बेटर फ्यूल इकोनॉमी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस वी हैव द कूलेंट बॉटल एंड वी हैव द मर्सिडीज बेंज स्टार ऑन द इंजन कवर इटसेल्फ। यहाँ पे आपको मिलेगा ब्रेक का रिजर्वॉयर, फ्रॉम हियर यू कैन फील द फ्लूइड, वॉशर फ्लूइड। इट ऑल्सो नोटिफाइज ऑन द इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर वेदर द फ्लूइड लेवल इज लो, एंड फ्रॉम हेयर वी कैन चार्ज द बैटरी। दिस जी वैगन एज यू नो इज बेस्ड ऑन द लैडर फ्रेम चैसी, शुरू से ही लैडर फ्रेम चैसी पे बिल्ड होता है, एंड दिस इज द ओनली कार दैट इज बिल्ड बाय हैंड। इट टेक्स अप टू 100 आवर्स टू बिल्ड वन जी वैगन। मल्टी वे एग्जॉस्ट ट्रीटमेंट भी इसमें आता है, इट्स अ डीजल इंजन, यू नो इंडिया में BS6 का नॉर्म चल रहा है, तो दैट्स वाई वी हैव मल्टी वे एग्जॉस्ट ट्रीटमेंट विच इंक्लूड्स सिलेक्टिव कैटलिस्ट रिडक्शन विद अमोनिया विच वी कॉल्ड एड ब्लू। तो इसमें एड ब्लू का अलग से टैंक है 25 लीटर्स का, और जिससे हम उसको एड ब्लू को एग्जॉस्ट में इंजेक्ट कराते हैं टू रिड्यूस द नॉक्स। प्लस देर इज वन मोर कूल फीचर फॉर दिस इंजन ऑल्सो इन इको मोड विच आई विल शो यू वेन वी गो इन द इनसाइड ऑफ द कार। इन इको मोड दिस द ग्लाइडिंग फंक्शंस ऑल्सो हैव टू सेव फ्यूल। फॉर एग्जाम्पल आपने अपना पैर थ्रॉटल पे से हटाया, सो द कार विल कोस्ट ऑन द रोड एंड इट नोज दैट द ड्राइवर हैज नॉट पुशिंग द एक्सीलेटर पैडल। सो वॉट इट डज कि जो ट्रांसमिशन को जो पावर जाता है इंजन से, वहाँ पे क्लच होता है, तो वट इट डज इट डिसंगेजेज दैट क्लच, सो दैट कि जो इंजन है वो आइडियल RPM पर रहे, और वो आइडियल RPM पर रहता है तो इट कंज्यूम लेस फ्यूल, दस मेकिंग द इकोनॉमी बेटर। एंड वन मोर थिंग, ये जो इंजन है, जो इंजन जिस जगह बैठा हुआ है उसे हम कहते हैं इंजन माउंट्स। तो जो इंजन माउंट्स हैं इस इंजन के, दैट इज एक्टिवली कंट्रोल बाय द ECU। तो करता क्या है कि एज इट हैज़ अ लैडर फ्रेम चैसी, तो कोई भी वाइब्रेशन होगा तो वो पूरे लैडर फ्रेम पे जाता है, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। सो बिलो 5 km/h जो इसके इंजन के माउंट्स हैं जहाँ पे इंजन बैठा है, दैट आर एक्टिवली एडजस्टेड। 5 km/h से पहले क्या होता है, वो सॉफ्ट कर दिए जाते हैं, जिससे जो स्टार्टिंग का वाइब्रेशंस हैं, यू डू नॉट फील दैट वाइब्रेशंस इन द कार,
At the higher speeds, the mounts are made stiffer so that the car dynamics remains constant. And plus one more thing, इसमें आता है 9G Transtronic, which have 9 gears. और especially for the G-Wagon, the 9G transmission has been tuned to meet the needs of the off-road icon. So let's go and check out the exterior first, then we look at the interior. आइए इसको बंद कर लेते हैं. हाइड्रोलिक स्ट्रट्स मिलेंगे आपको, सो यू डोंट हैव एनी प्रॉब्लम. ओके, तो लेट्स गो एंड चेक आउट फ्रॉम द साइड. कुछ ऐसा दिखता है साइड प्रोफाइल व्यू जी वैगन का. ये आप ब्लैक कलर देख रहे हैं. इंजन की जो पावर है वो ऑल व्हील ड्राइव है ये गाड़ी. एज यू नो ऑफ रोडर है मर्सिडीज बेंज का, सो दिस विल बी अ फोर व्हील ड्राइव. 40% फ्रंट में पावर जाता है एंड 60% रियर में पावर जाता है. ग्राउंड क्लियरेंस है इसकी 241 mm की, विच इज प्रिटी गुड. और हमें यहाँ पे मिलते हैं 20-inch के अलॉय व्हील्स. इसमें ब्लैक और डायमंड कट अलॉय व्हील्स का भी ऑप्शन है. 275/50 प्रोफाइल है टायर्स का. और यहाँ पे आपको मिलता है ORVMs पे LED टर्न इंडिकेटर्स. द डोर्स आर मैनुअल एज द जी क्लास इज द लॉन्गेस्ट मैन्युफैक्चर व्हीकल इन द क्लास मर्सिडीज बेंज, सो दे हैव केप्ट इट्स ओरिजिनल एज पॉसिबल. और पीछे आपको मिलता है 20-inch का ये अलॉय व्हील्स. 275/50 का प्रोफाइल है इसका. पिरेली के टायर्स आपको मिलेंगे. ऑल फोर व्हील्स हैव डिस्क ब्रेक्स. और यहाँ पे आपको मिलती है G350D की बैजिंग. एंड हेयर हाउ इट लुक्स फ्रॉम द बैक. आपको स्पेयर व्हील मिलता है. ये भी हमारा कॉन्टिनेंटल का स्पेयर व्हील है 20-inch का. सो लेट्स गो एंड चेक आउट द बूट. हाइड्रोलिक स्ट्रट है दरवाजे में, तो आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी. सो हेयर हाउ द बूट लुक्स. इट्स अ प्रिटी डिसेंट बूट जिसमें आपको पेपर वर्क वगैरह मिलता है. आपको यहाँ लाइट्स मिलती हैं बूट में, प्लस देर इज़ अ 12-volt सॉकेट ऑल्सो. सो इफ़ यू हैव अ एयर पंप और समथिंग लाइक दैट, यू कैन पुट इट हेयर एंड पावर इट ऑन. ये है आपका रियर सन सेंसर. आइए बूट बंद करते हैं, आगे चलते हैं. यहाँ पे आपको चढ़ने के लिए स्पेशली एरिया दिया हुआ है विच हैव क्लैडिंग. एंड हेयर आपसे भरेंगे, यहाँ से आप भरेंगे इसमें डीजल. सॉरी एक सेकेंड. यहाँ से आप इसमें भर पाएंगे डीजल. 95 लीटर्स का टैंक है जी वैगन का. प्लस यहाँ से आप भर सकते हैं इसमें एडब्लू. एज यू कैन सी वी हैव एड ब्लू. और यहाँ से भरेंगे डीजल. आइए पीछे चलते हैं और देखते हैं इसका रियर सीटिंग कंपार्टमेंट. कुछ ऐसा दिखता है इसका रियर डोर. और यहाँ पे आपको पहला जो बटन मिलेगा वो है सीट हीटिंग का फंक्शंस. ये है विंडो अप एंड डाउन का. ऑल फोर विंडोज आर इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल. प्लस वी हैव द रेस्ट स्टिचिंग. अपोस्ट्रोफी एंड ट्रिम्स आप सब कस्टमाइज कर सकते हैं. फॉर द कस्टमाइजेशन यू कैन गो इन द MB इंडिया वेबसाइट एंड यू कैन चेक आउट देयर ऑल्सो. यहाँ पे आपका वुड ट्रिम. ये ग्लॉसी वुड का ऑप्शंस है. इसमें कार्बन फाइबर का भी ऑप्शंस मिलेगा और ब्लैक अपोस्ट्रोफी का भी ऑप्शंस है इसमें. यह है आपका डोर लॉक. और यह है बर्न वेस्टर्न के 3D सराउंड सिस्टम्स विच इनकॉर्पोरेट 16 स्पीकर्स.
इसमें अराउंड 16 स्पीकर्स होने चाहिए एंड वी हैव रेड सीट बेल्ट्स और यहाँ पे आपको मिलेंगी परफोरेटेड सीट्स विच इज ऑल लेदर, टोटली लेदर है ये एंड फ्रॉम हेयर यू कैन, और ये ऐसे टिल्ट भी हो जाती हैं, फ्रॉम हेयर यू कैन गो फॉर द यू नो टूल किट, द टूल किट एंड जैक इज बिलो द रियर सीट्स। यहाँ पे हमारा फ्यूज बॉक्स है एंड इस सीट्स के नीचे हमारे पास टूल किट्स हैं हमारी, आई विल शो यू फ्रॉम दैट साइड ऑल्सो। प्रिटी बिग रूफ, कोई भी लंबे आदमी को बैठने में कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ पे एज यूजुअल। और अब चलते हैं हम आगे, लेट्स सी कि ड्राइवर साइड क्या ऑप्शन हमें दिए गए हैं। तो ये है हमारा ड्राइवर डोर, ड्राइवर डोर पे देख लेते हैं और ऑल विंडो के ऑप्शंस हैं और ORVMs को कंट्रोल करने के ऑप्शंस हैं, ऑल विंडोज आर पावर विंडोज। देन वी कम इन द बिलो, यहाँ पे हैं लॉक अनलॉक का बटन, प्लस वी हैव कूलिंग का बटन एंड वी हैव हीटिंग फंक्शन फॉर द सीट्स, दिस बोथ फंक्शन आर वर्क फॉर द सीट्स ओनली। और यहाँ पे हमारे पे सीट्स एडजस्टमेंट्स के बटन्स, एज दिस इज़ अ न्यू कार दैट्स वाई इट्स ऑल कवर अप टोटली, तो यहाँ से हम सीट्स को आगे पीछे अप डाउन रिक्लाइन भी कर सकते हैं, हेडरेस्ट वी कैन एडजस्ट ऑल्सो द हेडरेस्ट एंड वी ऑल्सो हैव 3 मेमोरी फंक्शंस इन इट, रेस्ट स्टिचिंग ऑल द वे, पियानो फिनिश का ऑप्शन एंड वी हैव बर्मेस्टर सराउंड साउंड स्पीकर। आइए चलते हैं अंदर गाड़ी के एंड देखते हैं इसके अंदर के फीचर्स। और यहाँ पे आपको मिलेगी मर्सिडीज बेंज की स्कफ प्लेट, सो लेट्स गो इनसाइड और दरवाज़ा बंद कर लेते हैं। कुछ ऐसा दिखता है इसका फ्रंट लेआउट, ये सब पन्नी चढ़नी बिकॉज इट्स अ ब्रांड न्यू कार डेट्स वाई, सो प्लीज़ बेयर विद मी। आइए गाड़ी को स्टार्ट कर लेते हैं। कोई नॉइज नहीं है गाड़ी में, इट्स अ प्रिटी डिसेंट एंड साइलेंट इंजन, तो जो एक्टिव माउंट्स हैं दे आर वर्किंग प्रिटी वेल। और हियर यू कैन सी वी हैव हियर इज रिटन पैसेंजर एयरबैग ऑफ, सो व्हाई इट्स रिटन पैसेंजर एयरबैग ऑफ, इट्स बिकॉज इट हैज अ सेंसिंग एलिमेंट इन फ्रंट इन द सीट्स इटसेल्फ। जब कोई इस पे बैठता है तो इस पे, एक सेकंड में वो थोड़ा एसी कम कर दूँ, जब कोई इस पे बैठता है तो इट कैन सेंस कि कोई बैठा है या नहीं बैठा है। इफ़ इट इज़ एम्प्टी द एयरबैग फॉर द ड्राइवर को ड्राइवर साइड इज कम्प्लीटली ऑफ, ओके, तो दैट्स वाई इज शोइंग पैसेंजर साइड एयरबैग ऑफ। तो हम देख लेते हैं यहाँ पे हमारे पे क्या क्या ऑफर में है। सो यह रहा हमारा स्टीयरिंग व्हील, कुछ ऐसा दिखता है स्टीयरिंग व्हील, ये वाले बटन से वी कैन कंट्रोल द दिस डिस्प्ले, फ्रॉम दिस बटन वी कैन कंट्रोल दैट डिस्प्ले, ओ सॉरी, तो वहाँ से हम इससे हम वाला डिस्प्ले यूज़ कर सकते हैं, प्लस यहाँ से हमारे पे वॉइस असिस्टेंस भी अवेलेबल है और इस वाले से हम ये वाला डिस्प्ले कर सकते हैं। एज यू कैन सी आई एम डूइंग इट राइट नाउ, प्रिटी डिसेंट हॉर्न। और यहाँ पे आप मिलेगा हमें क्रूज कंट्रोल के ऑप्शंस, वी कैन सेट लिमिट ऑल्सो, तो ओके। और यहाँ पे आपको मिलते हैं वाइपर के ऑप्शंस, यहाँ पे आपको मिलता है गियर लीवर पोजिशनर, सो यू कैन सेलेक्ट फ्रॉम इट टू ड्राइव टू प्लेस इन न्यूट्रल और समथिंग और टू पार्क ऑल्सो। और यहाँ नीचे हमें मिलते हैं लाइट के ऑप्शंस, वी कैन सेट इट टू ऑटो ऑल्सो, तो इसमें ऑटो हेडलाइट का ऑप्शंस भी आपके पास अवेलेबल है, प्लस रेन सेंसिंग वाइपर्स भी आपके पास अवेलेबल है, प्लस इट कैन ऑल्सो सेंस रेन्स, फॉर एग्जांपल आपकी रूफ खुला है, सनरूफ खुला है और बारिश हो रही है तो ऑटोमेटिकली सनरूफ ऑफ हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास है बर्मेस्टर सराउंड साउंड का एक और, आई थिंक दिस इज द स्पीकर ओनली,
और यह है SOS का बटन। आई नो आप देख पा रहे नहीं, यह है SOS का बटन। और यहाँ पे हमारे पास है टू डिस्प्लेस विच आर फुली 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 डिजिटल। एंड देन वी हैव द डिफरेंशियल लॉक्स एज दिस इज अ ऑफ रोडर, तो आपके पास है हम पे फ्रंट लॉक करने का, फ्रंट डिफरेंशियल लॉक करने का, सेंट्रल डिफरेंशियल लॉक करने का, एंड वी हैव द रियर डिफरेंशियल लॉकिंग फंक्शन ऑल्सो। यू कैन यूज ऑल थ्री ऑफ दम एट द सेम टाइम ऑल्सो। और ये हमारे पे एसी की वेंट्स, दिस इज ऑल ब्लैक। दिस ऑल ट्रिम्स आर कस्टमाइजेबल, यू कैन विजिट द एमबी इंडिया साइट एंड कस्टमाइज योर व्हीकल एज यू वॉन्ट। और सारे कस्टमाइजेशन का ऑब्वियसली एक्स्ट्रा कॉस्ट होगा, दिस इज वाई, दैट्स वाई इट्स बिट प्राइसी। और यहाँ पे आपके सेंटर पे आपको देख सकते हैं, ये है क्लाइमेट के कंट्रोल्स, यहाँ से मैं टेम्परेचर कम से कम कर सकता हूँ। प्लस दिस ऑल्सो हैव मर्सिडीज बेंज थर्माट्रॉनिक एसी सिस्टम। थर्माट्रॉनिक मीन्स कि को ड्राइवर और ड्राइवर अपना अलग अलग टेम्परेचर सेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल को ड्राइवर को चाहिए 20 डिग्री सेल्सियस, सो यू कैन सेट हिज टेम्परेचर टू 20 डिग्री सेल्सियस। And the driver wants 16 degree Celsius, so he can set the temperature to 16 degree Celsius. That's why it's called a 2-zone or a 3-zone climate control system. तो यहाँ से temperature set होगा, यहाँ से blower की जो speed है वो कम बढ़ा सकते हैं। ये auto का function है और ये AC का button है, and all we have, this is all we have. और ये हमारा hazard light का functions. And then we have the watch in the center. मीडिया का बटन, रेडियो एंड नेविगेशन, वन टच नेविगेशन भी यहाँ पे अवेलेबल है। देन वी ओपन दिस और यहाँ पे आपको मिलता है, अगेन यू हैव 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट। और यहाँ पे हम रख सकते हैं अपनी की। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, वेट फोकस नहीं हो पा रहा है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये है वॉल्यूम अप डाउन, ये है स्क्रीन को ऑन ऑफ करने का, ये है पार्कट्रॉनिक फंक्शन विच वट इज डज इज कि आप ये बटन दबाइए अगर आप यू आर फाइंडिंग अ पार्किंग स्पेस, सो द अल्ट्रासोनिक सेंसर विल सेंस द स्पेस। और इफ द आपको अगर पार्किंग की स्पेस मिल जाती है तो यू जस्ट हैव टू फॉलो द स्टेप्स, द कार विल पार्क इट सेल्फ ऑटोमेटिकली। ओके, तो ये हमारा होम बटन है, यहाँ से हमने रोल करके इस टच स्क्रीन डिस्प्ले को हम यहाँ से भी नेविगेट कर सकते हैं। एज यू कैन सी आई एम डूइंग इट राइट नाउ। और ये है हमारे पास डायनेमिक का बटन। जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि जब ये गाड़ी इको मोड पर जाती है तो इसका ट्रांसमिशन जो क्लच है वो डिसंगेज हो जाता है टू सेव मोर फ्यूल। सो आई विल शो यू, आप देख सकते हैं यहाँ पे इको सेलेक्ट हो गया है। और हम इसमें और भी सिलेक्ट कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल वी हैव कम्फर्ट, वी हैव स्पोर्ट, वी हैव इंडिविजुअल ऑल्सो, और दीज आर द मोड्स। तो हम चले जाते हैं अभी इको पे, तो दिस इज व्हाट वी हैव सेट टू इको मोड। ओके, देयर आर मैनी 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 फंक्शन इन दिस डिस्प्ले एज यू कैन सी फ्रॉम हेयर। तो अगर हम इसमें जाएं और हम जाते हैं व्हीकल में, सो वी हैव सीट्स, सो एज यू कैन सी वी हैव मसाज फंक्शंस ऑल्सो, वी हैव डायनेमिक सीट फंक्शन ऑल्सो, फॉर डायनेमिक सीट्स ऑल्सो। सो डायनेमिक सीट्स में क्या होता है कि जो साइड बोर्ड्स हैं ये जब गाड़ी आप टर्न करते हैं राइट और लेफ्ट तो ये आपको अपोजिट साइड से पकड़ लेते हैं। दिस यू कैन ओनली फील व्हेन यू कैन टेक अ टेस्ट ड्राइव इन द व्हीकल, अगर आपको अच्छा समझना है तो। और वी हैव लंबर सपोर्ट। ओके, तो हम लंबर सपोर्ट भी यहाँ से कर सकते हैं। डायनेमिक सीट्स मैंने आपको बता दिया है, इसके लेवल्स होते हैं, लेवल 1, लेवल 2। और मसाज में भी अगर हम जाते हैं तो फिर मैनी 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 फंक्शन, हॉट रिलैक्सिंग मसाज, हॉट रिलैक्सिंग शोल्डर मसाज, एक्टिवेटिंग मसाज, क्लासिक मसाज, वेव मसाज, मोबिलाइजिंग मसाज, एक्टिव वर्कआउट कुशन मसाज एंड मैनी मोर। तो ये हमारा ड्राइविंग, ये हमारा हो गया सीट्स का। देन अगर हम जाते हैं डायनेमिक सेलेक्ट में तो आप देख सकते हैं, आप यहाँ पे इंजन डाटा भी आप देख सकते हैं, व्हीकल डाटा आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, ये आपको बताएगा कि आपका एंगल कितना है, आपका स्टीयरिंग एंगल कितना है ना। कंपास भी इसमें अवेलेबल है। यू कैन गो टू इंजन डाटा, आपको यहाँ पे सारे इंजन का डाटा यहाँ पे अवेलेबल होगा कि ट्रांसमिशन का
इंजन ऑयल टेम्परेचर क्या है, कितना पावर इंजन बना रहा है, कितना टॉर्क इंजन दे रहा है, प्लस बैटरी कितनी चार्ज है, ओके। और अगर हम ये तो कंजम्पशन हो गया, अगर हम जाते हैं असिस्टेंस पे, तो वी हैव कैमरा एंड पार्किंग असिस्ट एज आई हैव टोल्ड यू। बाकी पार्कट्रॉनिक इसी पे ही काम करता है, जिससे ऑटोमेटिकली गाड़ी हमारी पार्क हो जाती है। प्लस हम आते हैं एक्टिव ब्रेक असिस्ट, तो ये मैंने आपको बताया जो आगे मर्सिडीज बेंज का लोगो है उसके पीछे एक रेडार है दैट सेंस द व्हीकल इन फ्रंट ऑफ द जी वैगन और उसके अकॉर्डिंगली वो ब्रेक अप्लाई कर देगा अगर आप नहीं करते हैं तो। अटेंशन असिस्ट भी है, ये आपके एंडिंग मैन्यूवर्स और स्टेयरिंग को बार बार चेक करता है, जिससे आपको बताता है कि आपको ब्रेक लेना है या नहीं लेना है। प्लस वी ऑल्सो हैव लेन कीपिंग असिस्ट ऑल्सो, तो ये यहाँ पे ऊपर एक कैमरा है विच कंटिन्यूसली स्कैन्स द रोड, इफ इट स्कैन्स कि हाँ वी हैव अ लेन मार्किंग, तो ये गाड़ी को उस लेन में ही रखेगा, राइट और लेफ्ट नहीं जाने देगा, ओके। दिस इज ऑल्सो एन असिस्टेंस फंक्शन विच यू कैन ऑल्सो कस्टमाइज ऑल्सो, ठीक है। तो मीडिया, रेडियो, नेविगेशन, ऑल वी हैव फ्रॉम हेयर ऑल्सो, सब कुछ यहाँ पे है। कुछ अच्छा दिखता है इसका ग्लव बॉक्स विच इज ऑल्सो कूल्ड बाय द वे, और ये है हमारा ग्रैब हैंडल, और ये है हमारे ट्विटर्स, यहाँ पे आपको मिलेंगे ट्विटर्स हेयर एंड देयर, एंड यस यू कैन, दिस इज हाउ द जी वैगन लुक्स फ्रॉम द आउटसाइड एंड फ्रॉम द इनसाइड, और यू सिट प्रीटी हाई इन द कार, यू फील लाइक यू आर द किंग ऑफ द रोड, दिस इज दैट्स वाई देर आर सो मैनी जी वैगन लवर्स इन द वर्ल्ड। और आपको मैं पीछे से दिखा देता हूँ, कुछ ऐसी दिखती है इसकी पीछे से सीट्स, प्रीटी डिसेंट सीट्स एंड प्रीटी डिसेंट बूट ऑल्सो। प्लस आपके पास ऊपर है यहाँ पे सनरूफ, तो ये ऑपरेशनल है, ये खुल जाती है, मैं आपको खोल के भी दिखा देता हूँ। सो दिस इज हाउ इट लुक्स वेन द सनरूफ इज ओपन, एंड वन टच से सनरूफ बंद हो जाएगा, एंड दिस इज द कवर टू शट इट डाउन। आइए गाड़ी को बंद कर लेते हैं और थोड़ा सा बाहर चलते हैं। तो ये था हमारा जी वैगन का टूर, एक बार फिर आप सामने से देख सकते हैं उसको। दिस इज द कैमरा दैट आई वॉज टॉकिंग अबाउट, यहाँ पे एक कैमरा लगा है, प्लस यहाँ पे हमारा रेन सेंसिंग का सेंसर भी है। एंड हियर यू गेट गॉबलेट डायमलर का सिग्नेचर ऑन द विंडस्क्रीन। So here it all, I can show you and I can teach you about the G-Wagon. So jitna mujhe pata tha maine aapko bataya, I'm happy that I'm sharing knowledge with you which I am gaining day by day. So for more videos keep posted and keep updating and do follow me on Instagram also. Jo bhi aane wali videos ke update hota hai I will post there first. And do also read my website. I write blogs on that website. So, tab tak ke liye, we'll meet you in the next one. Okay.